हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को प्लॉट आवंटन मामले को लेकर बड़ी राहत मिली है। जी हां, हुड्डा समेत 20 आरोपियों को ईडी कोर्ट से रेगुलर जमानत मिल गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 20 आरोपियों को रेगुलर जमानत मिली है, जबकि दो आरोपी एक्सेम्प्शन पर हैं। इससे पहले 5 मार्च को हुई सुनवाई में सभी 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो गई। ईडी की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसने सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने डिमांड किए थे वो सप्लाई कर दिए हैं, और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि हम इसको स्क्रूटनी करेंगे भी डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए हमें डेट दी जाए। तो कोर्ट ने 27 अप्रैल के लिए केस एडजर्न कर दिया है, और नेक्स्ट डेट पे हम जो है जो भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट होंगे वो कोर्ट को जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमें सप्लाई किए जाए। अब ग्राफिक के जरिए समझिए कि इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामला आखिर है क्या और कब से इस केस की जांच चल रही है। साल 2013 में 30,34,00,000 में 14 औद्योगिक भूखंडों को गलत तरीके से आवंटित किए जाने का ये मामला है। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 21 अन्य लोगों के खिलाफ पंचकुला भूमि घोटाले में आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शामिल थे। 2015 में ईडी ने जांच शुरू की। 2016 में केस सीबीआई में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने 120B, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 441 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जांच में हुड्डा यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी शामिल पाए गए। अब मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 आरोपियों को नोटिस जारी हुआ था। हाल ही में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 21 अन्य लोगों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में चार्जशीट दायर की थी। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।